हाँ जी, तो क्या हाल है? आई होप आप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और सुरक्षित हो गए। देखो, आज इस वीडियो में एक कार सिमुलेटर गेम लेके आया हूँ। लेकिन एक बात जो आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि हम सब बेस्ट ईवर मोबाइल गेम्स के बारे में तो बात कर लेते हैं, लेकिन रोस्ट ईवर मोबाइल गेम्स के बारे में कोई बात नहीं करता। देखो, अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। जहाँ पर अच्छी चीज़ होगी तो बुरी चीज़ भी होगी। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेले हों, लेकिन कई ऐसे गेम्स भी होंगे जो बिल्कुल ही बेकार होंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ ना कि बेकार गेम कौन से हैं। वैसे एक बात कही जाती है, अपनी लस्सी कौन खट्टी बताए। तो जो भी कुछ बना देता है मुझे वो अच्छा लगता है। सेम ऐसा ही डेवलपर्स के साथ भी है। वो गेम को बनाते हैं, मेहनत तो लगती है। चाहे गेम अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेहनत तो लगती है, सच्ची बात है। तो कौन ही कहेगा कि हमारा गेम बुरा है। सबको अपने अपने गेम्स बढ़िया लगते हैं, खेलने में मज़ा भी आता है उनको। तो वो बाकियों पर डिपेंड करता है कि उनका गेम को लेकर रिएक्शन कैसा है, उनको पसंद आया है या नहीं पसंद आया। ठीक है, तो सही बात है यार, सही होगी। तो आज के गेम पर लौट कर वापस आते हैं। आज एक कार सिमुलेटर गेम है, कार सिमुलेटर जापान। जापान का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 5G वहाँ पर आ चुके हैं और अपने आप कह रहे हैं कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है। तो यार, मेरे ख्याल से यदि वहाँ पर 5G 1.5-2 साल पहले आ चुकी है तो वो देश तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह मत फैलाओ ना ही अफवाहों पर ध्यान दो। तो आज इस वीडियो में हम इसी गेम का रिव्यू करेंगे, करते ही हैं जो कि। तो जानेंगे क्या कुछ हम लोगों को इस गेम में मिलता है और इस गेम को कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। स्किप आप कर देते हो मुझे पता है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले लाइक एम सुन लो। लाइक एम केवल 150 लाइक का है, आप कंप्लीट करा दोगे। कराई देते हो रोज भी, आज भी करा दोगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। नीचे आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के वहाँ पर लिंक्स हैं, उनको आप बड़ी आसान से देख सकते हो। तो चलिए यार, गेम प्ले स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करा रखा है। तो भाई साहब, मैं अपने हेयरफोन पहन लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी हेडफोन नहीं है। उनको परचेज करेंगे लॉकडाउन के बाद, उसके बाद फिर हेडफोन पैरा करेंगे। अभी इसी से काम चलाना पड़ रहा है। 100-200 की जितनी की भी आती है ये। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ और अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके गेम प्ले स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डर हो जा भाई ऑन। तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। स्क्रीन पर हमारे सामने दो कार हैं, एक है पीले रंग की, दूसरी है रेड रंग की। दोनों ही मिल रही हैं चलाने के लिए, सबसे खास बात है। नीचे जो ट्यूनिंग का ऑप्शन है, इसमें क्या होगा? अच्छा, कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को आइटम मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी है, बहुत सारी चीज़ों पर वॉच ऐड भी लिखा हुआ है। तो ऐड के जरिए आप इसको अनब्लॉक कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर ऑफलाइन खेल रहा हूँ। ये सस्पेंशन सिस्टम है, अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जैसा भी आप सेट करना चाहो। तो छोड़ो इसको जो कुछ था। तो गेम प्ले पर आते हैं। दो प्रकार के गेम प्ले मोड हैं, फ्री राइड इन सिटी, फ्री राइड ऑनलाइन। तो हम फ्री राइड ऑफलाइन खेलेंगे। दोनों कार्स हमारे सामने आ चुकी हैं। लोकेशन बहुत बढ़िया है, हम बाहर खड़े हैं, मतलब ड्राइवर आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। काफ़ी अच्छा व्यू है यार, वैसे डिटेल भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है गेम की। गेम प्ले तो बाद में पता चलेगा जब खेलेंगे। ओ, काफ़ी मैनुअल सिस्टम है, ऐसा गेम मैंने पहले भी खेला था, सेम वैसा ही लग रहा है। तो साउंड बहुत ही ज़बरदस्त है यार, कान फोड़ू साउंड है बिल्कुल। जैसे स्पोर्ट्स कार होती है ना, उनकी साउंड होती है वैसी साउंड है। तो मैं तो पहले स्टेयरिंग व्हील सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को एरो मिले हुए थे। तो अभी शुरू कर लेते हैं गेम प्ले। स्मूथ चला है गेम प्ले तो, एक बात तो है। डिटेल भी बहुत ज़्यादा है, फुटपाथ पर भी आदमी चल रहे हैं। है क्वालिटी तो यार गेम में। देखो, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, जो कंट्रोल्स हैं स्मूथ हैं। हालांकि कैमरा एंगल्स केवल दो प्रकार के हैं, तो ये कमी इस गेम में मुझे थोड़ी सी लगी है। फोन की साउंड भी ठीक ठाक है, बाकी गेम में क्वालिटी तो है। डिटेल काफ़ी साफ तौर पर साफ साफ देखी जा सकती हैं। इस गेम की कमी मुझे बस एक ही लग रही है कि इसमें शायद एक ही चीज़ ही हम लोगों को मिली है, वो तो हम लोगों को मैप पर क्लिक करने के बाद पता चलेगा, जो हम थोड़ा सा आगे चलने के बाद करेंगे। यहाँ पर केवल हम लोगों को ड्राइव करना है। यहाँ पर देखो, डोगी भी दिखाई दे रहा है और जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर कुछ लिपस्टिक का साइन सा है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई पैसेंजर या गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी होगी इस बंदे की, वो यहाँ पर है या नहीं है। तो इसको कुछ नहीं मिला, बस गाड़ी टकरा गई। चलो अंदर देखेंगे थोड़ी। जा भाई, तू ले जा पहले, अंदर देखते हैं कोई बैठा है या नहीं बैठा है। कोई नहीं बैठा है, हम अकेले ही हैं। तो चल भाई, एक्सेलेटर दबा और भगा ले गाड़ी को। कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर आने का।
तो फिर से ठोक दी मैंने यार। कंट्रोल की सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा ही है अब लग रही है। देखो मैप देखो आप, बिल्कुल छोटा सा मैप है, ज़्यादा बड़ा मैप नहीं है। केवल एक ये रास्ता है, शायद ये ऑफ रोड वाला रास्ता होगा जो दूसरे गेम में भी था, वही रास्ता मिलेगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है यार, एक ही कमी है कि इसमें आप लोगों को बस जो सिटी है काफ़ी कम मिलती है प्ले करने के लिए। तो आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस गेम को इंस्टॉल करा सकते हो। गेम का नाम मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, उससे पहले मैं गेम को बंद कर लेता हूँ, गेम को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को इस गेम का नाम आसानी से बता सकूँ और मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखा सकूँ। तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, अभी गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यार, इस गेम का नाम है कार सिम जापान और साइज मात्र 109 MB का है। तो आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो। गेम ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, मर्जी आपकी है आप इसको किस प्रकार खेलना चाहते हो। तो गेम में क्वालिटी वाली बात तो है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद वापस आकर बताना कि आप लोगों को गेम कैसा लगा है। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताना कि आप लोगों ने अब तक जितने भी गेम्स खेले हैं उनमें से सबसे रोस्ट गेम आप लोगों को कौन सा लगा है, जरूर बताना, बता ही देना, कर लेंगे एक वीडियो उस पर भी। तो वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।